आज ये 2 करोड़ के कम्युनिटी में से सिर्फ और सिर्फ 1% लोग, मतलब सिर्फ 2 लाख लोग वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज उमर सर को भेजे ना, सर हम आप लोगों आपके साथ है, कोई टेंशन ना लो, आप रिलैक्स रहो, कंपनी को खड़ा करो, हमको हमारे कम्युनिटी को हमारे फैमिली को इस सारे सिचुएशन से इस सारे टेंशन से बाहर निकालो, हम आपके साथ है, आप जो भी कर रहे हैं हमारे लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, कंपनी के भलाई के लिए कर रहे हैं, तो हम आपके साथ है, इतना अगर एक मैसेज पूरे कम्युनिटी से उमर खान सर को चले जाए ना, माँ कसम बोलता हूँ यार, साईं बाबा की कसम, उमर खान सर जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, उनका जो जोश है ना, 100 गुना नहीं बोलूँगा, 1,00,000 गुना नहीं बोलूँगा, लेकिन 100 करोड़ गुना उनका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा, और ये सुनने के बाद जब वो इमोशनल हो जाएंगे और उनके आंखों में पानी आएगा कि यार मैं जिस कम्युनिटी के लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, ये कम्युनिटी सही में मेरा भला सोच रही है, कंपनी का भला सोच रही है, उसको खुद का भला समझ में आ रहा है, उसकी टीम का भला समझ में आ रहा है, तो वो जो कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, उससे 10 गुना बेहतर वो करेंगे, तो उससे 10 गुना बेहतर। बट नहीं हो रहा है ऐसा। इनोवेशन फैक्ट्री में क्या हो रहा है? सजेशन, गालियाँ, धमकियाँ, और कौन कुत्ते दे रहे हैं? वो कुत्ते दे रहे हैं कि जिन कुत्तों ने पिछले 5-10 साल में उनके फैमिली के लिए कुछ किया ही नहीं है, बस भटकते हैं और लोगों को अच्छे कपड़े पहन के चिकना चुपड़ा बन के घूमते हैं और लोगों को अकल सिखाते हैं, वो दे रहे हैं। जो असली मर्द है, जिसने दुनिया देखी है, जिसको इंसानियत पता है, जिनको पैसे की अहमियत पता है, जिसको तकलीफ क्या होती है, जिसको प्रॉब्लम्स क्या होती है, सॉल्यूशन निकालना क्या होता है, इन चीज़ों का पता है ना, ये लोग कभी भी नहीं बोल रहे। आज भी इनोवेशन फैक्ट्री में क्या बोलूँ, मेरे प्यारे इनोवेशन क्लब में ऐसे कई सारे दोस्त है कि जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज भी उनके मुँह से ना इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, ना उमर सर के बारे में एक वर्ड भी नहीं, आधा वर्ड भी गलत नहीं निकला है। और कुछ है जिन्होंने पैसा कारे कमाने के बावजूद आज भी सजेशन देने के लिए चौक में बैठ जाते हैं, चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं और सजेशन देते रहते हैं, उमर सर ने ये करना चाहिए, उमर सर ने वो करना चाहिए। मैं इन कुत्तों को, भड़वों को ये बोलता हूँ कि पहले ये बोलने के पहले आप है ना, उस उमर सर को जानो जब ये टोकन था, बंदे ने उस समय से कंपनी को उठाया और इस लेवल पे लेके आया। मैं बोलता हूँ पहले सबसे पहले उस उमर खान सर को पहचानो जब उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और पैसे के लिए ब्लैकमेल किया कि हमें हमारे पार्टनरशिप चाहिए, जबकि कंपनी के पास फंड नहीं था, उनके पास फंड नहीं था। उस वक्त उन पार्टनर का सजेशन था कि कुछ भी करो, कंपनी बंद कर दो, जो है वो निकाल लेते और निकल जाते करके। उस वक्त उन्होंने अपना नहीं सोचा, अपनी कम्युनिटी का सोचा, इनोवेशन फैक्ट्री के हर एक मेंबर का, हर एक लीडर का, उसके फैमिली के बारे में सोचा। और वो जो तकलीफ थी उनको 1 महीने तक, उनके पार्टनर्स को फंड देने तक, वो फंड जमा करने तक, वो जो तकलीफ में थे, वो तकलीफ सिर्फ और सिर्फ एक सिंसियर फैमिली मेंबर अपने फैमिली के लिए करता है ना, बस एक फैमिली मेंबर खुद के लिए करता है, लेकिन कोई MD कंपनी का, MD पूरे कम्युनिटी के लिए और इतने बड़े कम्युनिटी के लिए नहीं करता है, वो उन्होंने करके दिखाया। तो ये चीज़ें पता है, बट फिर भी क्या है ना, अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, ईगो है कि मैं बहुत शाना हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे बहुत अकल है, बस उमर खान सर कितने पागल है, कितने गलत है, ये सिद्ध करने में पड़े हुए हैं। भैया इतनी एनर्जी और इतना समय पहले अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बनाओ, पहले जाके देखो कि आपके बच्चों के ऊपर संस्कार क्या गिर रहे करके, आपके बच्चे सोशल मीडिया पर टाइम कितना देते हैं, पढ़ाई में टाइम कितना देते हैं, कहाँ पे और किस फील्ड में उनका दिमाग चल रहा है, और आप लोगों का कल सिखाते बाहर घूम रहे हो। तो कम से कम नहीं अच्छा किया जाता है ना, और नहीं अच्छा बोला जाता है ना, तो कम से कम बुरा मत बोलो, क्योंकि वो इंसान जो कुछ कर रहा है, तो आज भी मेरा संजय परदेशी का आपको वादा है कि 2 साल के बाद उमर खान सर आप लोगों को आंखों से दिखेंगे भी नहीं, मीटिंग में आएंगे भी नहीं, और उनका नंबर किसी के पास होगा भी नहीं। मतलब वो VIP नहीं, VVIP पर्सन बन चुके होंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के, वो सोच उनके दिमाग में। हाँ, टाइम लग रहा है, टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों के जितना होशियार नहीं हूँ, बट मैंने जितने किताबें पढ़ी है, जिसमें आप बिरला की स्टोरी ले लें,
महिंद्रा की स्टोरी ले ले, मुकेश अंबानी की स्टोरी ले ले, बिल गेट्स की स्टोरी ले ले, स्टीव जॉब्स की स्टोरी ले ले, हमारे महाराष्ट्र के जो राजे हैं शिवाजी छत्रपति महाराज, इनकी स्टोरी ले ले। इन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में जो मकाम हासिल की है ना, वो मकाम हासिल करने के लिए इनको ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आई। हम लोग उनका सिर्फ सक्सेस देखते हैं कि ये इतना बड़ा है, ये सक्सेस है, बट उनको सक्सेस होने के लिए उनके ज़िंदगी के कई साल सेक्रीफाइस करने पड़े, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, कई दिक्कतों को सामना करना पड़ा जब बड़े हुए। तो सेम है भैया, उमर सार ने पिछले 3-4 साल में इनोवेशन फैक्ट्री को यहाँ तक लाया, तो यहाँ पे खाली पेट नहीं लाया। BFIC नेटवर्क में सब लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, BLV में कुछ लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है, और पैसा कमा के ये 3 साल गए, बिना कमा के नहीं गए। और इसके बाद जो उन्होंने सीखा है, देखा है, समझा है, तो 3 साल ये गए, मैं बोलता हूँ आगे और 2 साल चले जाए, तो जब ये टोटल 5 साल काउंट हो जाएंगे ना, तो 5 साल में क्रिप्टो इंडस्ट्री में इनोवेशन फैक्ट्री उमर खान सर बहुत बड़ा हिस्ट्री बना चुके रहेंगे। उस हिस्ट्री में नाम रहेंगे उन लीडर्स के, उन दोस्तों के, कि जो इथिक्स के साथ, इंसानियत के साथ, कंपनी के साथ, अपलाइन के साथ, उमर खान सर के साथ अच्छी नीयत से रहे। और जो बुरी नीयत से रहे उनके पास भी पैसा आएगा, लेकिन आज तक जब से सूरज चांद और धरती बनी है ना, तब से आप तक का इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों की नीयत और वर्ड, सोच, कर्म गलत है, उनके पास पैसा आता भी है तो पिछले वाली गली से, मतलब गटर से निकल भी जाता है, तो उसको समझ में भी नहीं आता है कि पैसा गया कहाँ करके। और ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो एक बार MLM इंडस्ट्री में जाके एक बार देख लो, जिन लीडर्स लोगों के पास दो दो चार चार कारें थी, उनके बॉडी से ब्लेजर नहीं उतरता था, 10-10, 20-20 लोग आगे पीछे घूमते थे, 5-star hotels में रहते थे। आज जाके एक बार चेक कर लो, ये वाला मैसेज मैंने पहले भी कई बार बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि एक बार जाके चेक कर लो, उनके पास 2-व्हीलर के टायर चेंज करने के लिए पैसे नहीं है, जूते उनके फटे हुए है, मोबाइल उनका देख लो एक बार कि किस तरह के मोबाइल यूज करते हैं, जो एक समय इतना पैसा करते थे। तो भैया पैसों का गर्व मत करो, नीयत अच्छी रखो, मेहनत पे विश्वास रखो। जो बंदा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ऊपर वाले को याद करके उसको मोरल सपोर्ट करो, मानसिक सपोर्ट करो, कुछ मत करो, पैसा नहीं लग रहा है इसके लिए, बट जब आप ये करोगे ना, तो ये काउंटिंग ऊपर वाला भी करता है, और जब ये काउंटिंग ऊपर वाला करता है तो वो आपको जब देता है उसको बरकत कहते हैं, और बरकत जो होता है ना वो हमेशा घर में टिक के रहती है। वैसे नहीं होगा कुछ लीडर लोगों का, जैसा जैसा आया और चला गया करके। तो इन चीजों को है ना समझने के लिए शायद ही, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कि मैं आप लोगों के जितना होशियार नहीं हूँ, मुझे ज्यादा अकल नहीं है आप लोगों के इतनी, बट जो बोल रहा हूँ तो ये चीजें समझने के लिए शायद मेरे जैसा अनपढ़ बनना पड़ेगा आप लोगों को, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। तो मेरा जो 8 अगस्त को सीवियर अटैक आया, एंजियोप्लास्टी हुई, तो वहाँ पे मेरे जो ड्राइवर थे, मेरे साडू साहब थे, मेरा भतीजा था, मेरी फैमिली, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव कर्निक, हसमुख रावत, फोर्टिस हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, इनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने जो सपोर्ट किया, और मेरे इनोवेशन क्लब की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से मैंने जो मौत को छू के ज़िंदगी में दोबारा आया, इसके लिए इनको दिल से थैंक यू। इनोवेशन फैक्ट्री के मेरे प्यारे उमर खान सर को थैंक यू, जी सीनियर सर, जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीटिंग में मेरे लिए दुआ की, इनको दिल से थैंक यू। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि हर जन्म मुझे जी सीनियर जैसे दोस्त, भाई, ब्रदर मुझे हर जन्म मिले, जो इतना अच्छा चाहते हैं। मेरे इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को दिल से थैंक यू, मेरे इनोवेशन क्लब के VIP मेंबर को दिल से बहुत बहुत थैंक यू, ऑल इनोवेशन क्लब के मेरे टॉप टू बॉटम A to Z दोस्त, जो मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा मेरे लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, ऐसे 90% मेरे इनोवेशन क्लब के अच्छे भाइयों को दिल से थैंक यू। और जो मेरा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने मुझे इस मैसेज दिया है, ये 10%
मेरे बुरे चाहने वाले दोस्तों को भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि कौवे के शाप से तो गाय कभी मरती नहीं है, क्योंकि 90% अच्छा चाहने वाले और 10% बुरा चाहने वाले तो होगा क्या, ऑब्वियसली सच्चाई की और अच्छाई की जीत होती है। और ये जो कुछ हुआ इसमें मेरे साईं बाबा का आशीर्वाद है, यूनिवर्सल पावर का आशीर्वाद है, तो इन सभी के आशीर्वाद की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में मेरे फैमिली के साथ हूँ। नो डाउट बुरा किया नहीं है, बुरा सोचा नहीं है, हाँ बुरा बोला है। बुरा बोला है मतलब क्या है कि मुझे सीधी और कड़वी बात करनी आती है, और मैं जब भी बात करता हूँ तो सीधी गाली देके बात करता हूँ। मुझे मीठी बात करनी नहीं आती, पीठ में पीछे छोरी घुसने नहीं आती है, मैं सीधी बात करता हूँ। किसको क्या लगता है मुझे लेना देना नहीं है। मेरे साईं बाबा को, भगवान को, यूनिवर्सल पावर को पता है कि मेरा दिल साफ है। मैं गाली भी देता हूँ तो साफ दिल से देता हूँ। और यही कहूँगा कि जो आप लोगों के दिल में ये सिचुएशन है कि संजय सर अभी हॉस्पिटल में है, इनको हार्ट अटैक आया, एंजियोप्लास्टी हुई, तो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, हमारे तक अपडेट नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके दूसरे दिन, मतलब उसी दिन उमर सर तक ये मैसेज चला गया था, कोर मेम्बर तक ये मैसेज चला गया था, तो उमर सर ने इमीजिएटली कंपनी के जो कोर मेंबर है, जो कंपनी के डायरेक्ट है, उसमें जो ग्रुप है, उस ग्रुप में उन्होंने इमीजिएट चेतन मीना सर को ज्वाइन कर लिया, ताकि कंपनी के अंदर कुछ भी डिसीजन, कुछ भी बातें हो जो कोर मेंबर्स के साथ शेयर की जाती है, वो चेतन सर तक पहुंचे, और चेतन सर पूरे इनोवेशन क्लब तक पहुंचाए, मतलब कोर मेंबर तक दे देंगे तो कोर मेंबर सारे इनोवेशन क्लब तक पहुंचा देंगे। तो ये बात कभी भी ध्यान में नहीं आनी चाहिए आप लोगों के कि संजय सर अगर बीमार है तो इनोवेशन फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें नहीं समझ रहा है, तो ये बातें ना समझे। क्योंकि उमर सर जो है बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने क्विक डिसीजन लिया 24 घंटे के अंदर, और चेतन सर को उस ग्रुप में जोड़ा हुआ है। चेतन सर उस दिन उस ग्रुप में पहले दिन से एक्टिव है, जो कंपनी के डायरेक्ट है, वहाँ पे जो बातें शेयर कर की जाती है। फिर आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों को तो 15 दिन हो गए, चेतन सर ने कुछ बताया नहीं। भैया कुछ बताने लायक होगा तो चेतन सर जरूर बताएंगे। संजय परदेशी भी आपको कब बताता है, जब बताने के लायक हो। तो अगर किसी के दिमाग में ये पॉइंट चल रहा है ना कि संजय सर बीमार है और हमारे पास कोई अपडेट नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, संजय परदेशी की परछाई, इनोवेशन क्लब की परछाई, मिस्टर चेतन मीना सर कंपनी के कोर ग्रुप में है। अगर और मुझे डॉक्टर ने तो 3 महीने का बोला है रेस्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है चेस्ट के अंदर स्टेन डाली हुई है तो उसका तकलीफ होता है, तो 3 महीना रेस्ट बोला है। तो मैं कितना भी रेस्ट कर लूँ, चेतन सर आप लोगों के साथ है, मेरे साथ है, कंपनी के साथ है, तो टेंशन नहीं लेना है। ये बात मैं मेरी तरफ से क्लियर कर देता हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा तो चेतन सर को वहाँ से रिमूव किया जाएगा, चेतन सर हमेशा वहाँ रहेंगे, मैं भी हूँ, समझे। तो इस चीज़ का दिमाग में अगर किसी के हो कि संजय सर बीमार है तो फिर हमारे पास अपडेट नहीं आ रही है, तो ये दिमाग से निकाल दो। ओके, अभी बता दूँ थोड़ा सा गोटियाए के बारे में। गोटियाए में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कंपनी ने BLV ले ली है। कोशिश कर रहा हूँ मैं बात करने की, जितना पॉसिबल है मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मेरे इनोवेशन क्लब से साथ रूबरू हमेशा हो। बट क्या है ना, सिचुएशन भी कभी कभी आदमी को घुटने टेकने मजबूर कर देती है। तो गोटियाए के बारे में लोगों को लग रहा है कि डॉलर ले लिए, BLV ले लिए, चालू नहीं हो रहा है, मैन्युअल होता तो बहुत अच्छा होता, ऐटो की ज़रूरत क्या थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सजेशन है, और किन लोगों के सजेशन है कि जिनको EI का डेफिनेशन पूछा जाए, आर्बिट्रेज कैसे होता है पूछा जाए, कितनी बार किया है तूने ज़िंदगी में पूछा जाए, तो जवाब नहीं है, वही लोगों के पास सजेशन है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा मेरे इनोवेशन क्लब को कि जो BLV कंपनी ने लिए है, कंपनी वो वापस कर रही है, किसी का भी एक भी BLV नहीं रख रही है, आपके BLV आपको वापस मिल जाएंगे, पहला। दूसरा, जो डॉलर कटे हुए है USDT, तो कंपनी ने जो प्लानिंग किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उमर सर जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे मैं, शिवेश भाई, संजीव भाई, महेश शर्मा जी करते हैं,
बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए, जी सीनियर करते उनको कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, आपका वक्त नहीं चाहिए, आपसे उनको सिर्फ मेंटली सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो वो जो कर रहे हैं, तो जिनके यूएसडीटी कटे हुए हैं उनको कंपनी 3 गुना यूएसडीटी देने के प्लानिंग कर चुकी है। नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम तो ज़िंदगी में हर वक्त लगता है, कि जो बंदा पहले स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएट होने तक 15 साल पढ़ता है और जो सपना लेके निकलता है कि मुझे 50,000 रुपया पगार मिलना चाहिए, तो उसको पहले 1-2 साल तो नौकरी ही नहीं मिलती भैया, और जब मिलती है तो 5-10 हज़ार की 15 हज़ार की मिलती है। तो 50,000 नौकरी पाने के लिए उसको आफ्टर ग्रेजुएशन 5 साल निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो हर चीज़ आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। आप आपकी ज़िंदगी में आपके पापा के, आपके मम्मी के, आपके आपके भाई के, आपके चाचा के, आपके मामा के, आपके मामी के, सबकी स्टोरी एक बार उठा के तो देख लो। आपके पापा ने बोला होगा कि भैया मुझे अपने को बाइक लेनी है, कितने साल लगे उनको बाइक लेने के लिए, कार लेनी है तो कितने साल लगे, जो मेरे उम्र के होंगे वो याद करो, घर में टीवी लेने का बोला था तो कितने दिन लगे थे टीवी लेने के लिए, दूसरे के घर पे जाते थे टीवी देखने के लिए। कोई भी चीज़ दुनिया में हम जैसे चाहे वैसे इमीजिएट नहीं होती, भगवान नहीं हम, टाइम लगता है। तो ये जो गोट एआई में जो उन्होंने यूएसडीटी लिए हुए है वो कंपनी वापस करेगी, 3 गुना करके देने की कोशिश है, काम चल रहा है। ओके, बी लव डैप के ऊपर सारे इश्यूज, सारे एरर्स निकाले जा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग के लिए लीडर्स लोगों को बी लव डैप टेस्टिंग के लिए दिया गया है, और उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए काम चल रहा है। तो बी लव डैप भी सही समय पे आएगा। नेक्स्ट बीएलवी के बारे में बोलूँ तो बीएलवी को अक्टूबर के बाद 500 दिन होंगे। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि जो कुछ चूतियों लोगों के हिसाब से 500 दिन मैं काउंट करूँ करके, क्योंकि लोगों ने 500 दिन तो कुछ लोगों ने इतने काउंट किए कि जो इसी मंथ अगस्त में ही 500 दिन काउंट कर लिए, किसी ने तो पिछले 3 महीने गए ना तभी उनके हिसाब से 500 दिन हुए थे। पता नहीं उनके मैथमेटिक्स में कौन से टीचर थे उनके पास कि उन्होंने कौन से हिसाब से 500 दिन काउंट किए। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना तो जब से वो होता है ना उसके दिन से काउंट होते हैं 9 महीने 9 दिन, जब से शादी हुई है तब से 9 महीने नहीं काउंट होते उस लेडी के लिए बच्चा पैदा करने के लिए, समझे ना। तो जब टेक्निकल ब्लॉकचेन के ऊपर काम चलता था वो दिन काउंट नहीं है उन 500 दिनों में, अक्टूबर के बाद। मैंने इससे पहले भी बोला हूँ मीटिंग में भी, बहुत सब लोगों ने, शिवेश भाई ने, संजीव भाई ने, महेश भाई ने, जी सीनियर उमर सर ने कहा है कि अक्टूबर के बाद 500 दिन होंगे। तो जैसे 500 दिन होंगे तो बीएलवी में जो भी रेट होगा, जो भी पैसा आपको मिलेगा, इस बात का वादा है कि किसी का भी प्रिंसिपल में 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा। रही बात बीएफआईसी की, तो बीएफआईसी भी आप लोगों के रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद कौन से रेट पे निकालने हैं या नहीं निकालने हैं, क्या करना है, वो आपका लुकआउट है, कोई भी आपको सजेशन नहीं देगा, लेकिन आपके बीएफआईसी आपके पास वापस आ जाएंगे। और आखिरी वर्ड, अभी कैपेसिटी ख़त्म हो रही है तो यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, अच्छी नौकरी, अच्छा एजुकेशन, अच्छी बीवी या अच्छे बच्चे, तो आपको आपकी जिंदगी में पेशेंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, पेशेंस। और पेशेंस उसी बंदे में आते हैं जिसके पास अकल होती है। क्योंकि सजेशन देने वाले, मैं तो बोलूं कि मोदी जी को सजेशन देने के लिए पूछे जाए तो 125 करोड़ में से 100 करोड़ तो खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारे पास 5-5 सजेशन से कि मोदी जी ने क्या करना चाहिए। तो भैया सजेशन देने से पहले ये तो देखो आपने आपकी फैमिली के लिए क्या किया है, जो सपने लेके आपने एजुकेशन कंप्लीट किया था उसमें से आप कहाँ पे हो, क्या करके दिखाया है, और अगर वो करके दिखाया तो पीछे एक बार फैमिली के पीछे भी जाके देख लो कि बच्चों के ऊपर क्या संस्कार है, बच्चे क्या कर रहे हैं करके। बोलने के लिए बहुत बातें हैं, और मेरी बात ऐसी है कि बस कुछ परसेंट लोगों को पसंद आती है और कुछ परसेंट लोगों को जलन होती है, और वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो आदत है और नेचर है। किसी के क्या बोलने से और किसी के क्या मानने से मैं अगर मेरा नेचर चेंज करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो चेंज करता तो आज इनोवेशन क्लब इतना बड़ा नहीं होता। आज अगर मेरा इनोवेशन क्लब, मेरे पैरा इनोवेशन क्लब अगर इतने इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा है तो उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ मेरा नेचर, मेरा हार्ड वर्क और मेरे पेशेंस। तो मैं यही कहूँगा। तो बस आप लोगों की दुआओं की वजह से
मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में पहले जैसा 25 साल का बन के वापिस आ रहा हूँ। हम फिर से वो वाला हंगामा करेंगे जैसे हमने गोवा में, जयपुर में, सब जगह बड़े बड़े इवेंट लिए थे। ऐसे बड़े बड़े इवेंट इनोवेशन क्लब लेने वाला है और उससे भी बड़ा हंगामा हम लोग करने वाले हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे इनोवेशन क्लब, दिल से थैंक यू यूनिवर्सल पावर, दिल से थैंक यू साई बाबा, थैंक यू उमर खान सर, आपको थैंक यू, जी सर आपको थैंक यू, मेरे इनोवेशन क्लब को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।